नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी ने खिलाड़ियों के दल को फ्लैग ऑफ कर किया रवाना। 37वें राष्ट्रीय खेल राज्य की ओर से प्रतिभा करेंगे खिलाड़ी। तो वहीं 167 आंगनवाड़ी सुपरवाइजर को दिए नियुक्ति पत्र। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव का घमासान। उत्तराखंड के कई वरिष्ठ नेताओं को मिली चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी। रमेश पोखरियाल निशंक और मंत्री धन सिंह रावत का नाम भी शामिल। परमवीर चक्र से अलंकृत मेजर धन सिंह थापा के द्वार का भूमि पूजन। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी रहे मौजूद। अंश फाउंडेशन की ओर से किया जा रहा निर्माण। कोटद्वार में जमीनों की धोखाधड़ी का मामला। 3 सादेरा आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नकली दस्तावेज बनाकर लाखों की जमीन की थी खुर्द-बुर्द। उत्तराखंड के किच्छा में कोलोनाइजरों का कमाल। अवैध प्लॉटिंग के जरिए लोगों को दिया जा रहा धोखा। विधायक ने प्रशासन पर खड़े किए सवाल। और खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास देहरादून में आगामी 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में उत्तराखंड राज्य से प्रतिभा करने वाले खिलाड़ियों के दल को फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 37वें राष्ट्रीय खेल में राज्य की ओर से प्रतिभा करने वाले खिलाड़ियों को खेल किट ट्रैक सूट वितरण कर शुभकामनाएं प्रेषित की। विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय खेलों में इस बार राज्य की ओर से 240 सदस्यीय टीम प्रतिभाग कर रही हैं, जिसमें 177 खिलाड़ियों के साथ 63 टीम ऑफिशियल्स हैं और ये टीम 25 खेल विधाओं में प्रतिभाग करेंगी। उन्होंने खिलाड़ियों को आगामी खेल के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए प्रदेश की 167 आंगनवाड़ी और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को सुपरवाइजर के पद पर नियुक्त होने पर नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने नंदा गोरा योजना और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारम्भ भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को 3,940 आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की है। प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र के लिए 12 लाख की धनराशि मनरेगा केंद्र और राज्य का अंश मिलाकर निर्धारित की गई है। इस प्रकार कुल 472 करोड़ की धनराशि व्यय कर महिलाओं और बच्चों के लिए सुविधाजनक आंगनवाड़ी केंद्र उपलब्ध कराए जाएंगे। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन की प्रतीक्षा हर आंगनबाड़ी बहन बड़े लंबे समय से कर रही थी और बाकी विभाग भी इस दिन का इंतजार कर रहा था कि हमारी विभाग की रीढ़ की हड्डी के रूप में मानी जाने वाली हमारी आंगनबाड़ी बहनों को कब वो अवसर मिलेगा जब वो मानदेय कर्मी से जो है वो नियमित कर्मी के रूप में परिवर्तित होंगे। आज 22 तारीख यानी कि दुर्गा अष्टमी के दिन में वह दिन संभव हो पाया है और आज उन सब आंगनबाड़ी बहनों को जो कि बेहतरीन सेवाएं दे रही थी और इस दायरे में जितनी आती थी लगभग 167। वहीं जूसी मठ के मुख्य बाजार में सड़क पर हवा में झूल रहा दूरसंचार विभाग के क्षतिग्रस्त पोल का प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद संबंधित विभाग द्वारा आज दोपहर बाद सड़क से हटा दिया गया ताकि कोई बड़ा हादसा न हो सके। बता दें कि जूसी मठ मुख्य बाजार में सड़क के किनारे खड़े इस पोल पर किसी मालवाहक ट्रक द्वारा रात्रि में टक्कर मारने से पोल पूरी तरह टूट कर सड़क की ओर झुक गया था। इसके ऊपर तार झूल रहे थे। ऐसे में कोई बड़ी अनहोनी होने से पहले जन टीवी ने प्रमुखता से इस खबर को प्रकाशित किया था और जन टीवी के द्वारा खबर प्रकाशित होने के बाद स्थानीय प्रशासन ने संज्ञान लिया, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पोल को आज सड़क से हटा दिया है। तो वहीं पोल हटने के बाद स्थानीय व्यापारियों ने प्रशासन के साथ साथ जन टीवी का भी आभार जताया है। बार बीएसएनएल वाले को मेरे द्वारा
फोन किया गया, उसके बाद ही उन्होंने थोड़ा सा कार्रवाई करने की कोशिश की। बाकी न्यूज चैनल में आपके द्वारा भी दिखाया गया था, ये BSNL की बहुत बड़ी यहाँ पर कमियाँ भी है, जो अनावश्यक तार उस पर लटकी हुई है, और भी कई लोगों ने उस पर जो ये इलेक्ट्रिक वायर है वो भी उस पर लटका रखी है, जिस कारण बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन प्रशासन ने बड़े देर बाद इस कार्य को किया है, और जो अब थोड़ा वहाँ पर जो व्यापारी है वो रात की सांस ले रहे हैं। तो वहीं रुड़की में मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर मवाल मुंडलाना में 11,000 केवीए की लाइन टूटकर गिरी। लाइन टूटने से किसान श्याम सिंह की गन्ने की फसल जलकर राख हो गई। तो वहीं पीड़ित ने कुछ दिनों पहले विद्युत विभाग से तार टूटने की शिकायत की थी। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते जर्जर तारों को ठीक नहीं किया गया। श्याम सिंह ने अपनी 10 बीघा फसल के जलने के जिम्मेदार विद्युत विभाग को ठहराते हुए विद्युत कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली नगर हरिद्वार क्षेत्र अंतर्गत रानी गली स्थित मकान में महिला की हत्या के संबंध में कोतवाली हरिद्वार में मृतका के पुत्र अभय सैनी की शिकायत पर हत्या की धाराओं में अज्ञात अभियुक्त के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसका हरिद्वार SSP ने खुलासा करते हुए बताया कि अभियुक्त का अपनी भाभी सहित किसी अन्य महिला से अवैध संबंध होने के कारण भाभी द्वारा उसका विरोध किया जा रहा था, जिस कारण अक्सर झगड़े हो रहे थे। वहीं पैसों के लेन देन और महिला साथी को लेकर दोनों की आपस में बहसबाजी हुई थी, जिस पर अभियुक्त ने अपनी भाभी का चुन्नी से गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी और अपने बचाव के लिए घर से बाहर निकल गया। 20 तारीख को कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत राम गली जो है वहाँ पर एक महिला जिसका नाम ममता था, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या की गई थी। उसके आसपास का सामान भी जिस तरीके से बिखरा था, तो लोगों को डकैती के साथ हत्या की संभावना थी, और उसको लेकर काफ़ी लोगों ने वहाँ पर रिजेंटमेंट भी किया था। पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया था, और लगातार जो फॉरेंसिक जो हमारी टीम है उसके द्वारा और हमारे जितने हमारे काम करने वाले यहाँ पर पुलिस पर्सनल हैं, उन्होंने एक चुनौती के तौर पर इसको लिया था। हालांकि जो घटनाक्रम जिस तरीके से दिखाई दे रहा था वहाँ पर, जिस तरीके से वहाँ पर हाउस की जो स्थिति थी उसे देख के लग रहा था ये किसी अंदरूनी ही व्यक्ति का काम है। इसमें लगातार जो CCTV फुटेज का जब हम लोगों के द्वारा एनालिसिस किया गया था, तो उसमें इसका जो देवर है रामकिरण जिसका नाम है, उस पर संदिग्धता हम लोगों को दिखी थी। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई थी तो उसके द्वारा ये हत्या किया जाना प्रकाश में आया, और उसकी आज हमने अरेस्टिंग करके उसे जेल भेजा। तो वहीं कोटद्वार में लगातार जमीनों की धोखाधड़ी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। फर्जी दस्तावेज तैयार कर नकली भूस्वामी को असली भूस्वामी बनाकर लाखों रुपए की जमीन खुर्दबुर्द करने के मामले में कोटद्वार पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ASP जया बलूनी ने बताया कि वादी अमित जोशी द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र थाने में दिया गया था, जिसमें उनके जीजा की दुर्गापुरी की भूमि को अभियुक्ता अनामिका मैठाणी और उसकी साथी कुसुम व निधि बिंजोला ने आपराधिक षड्यंत्र कर वादी के जीजाजी के फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी से 13,00,000 रुपए में जमीन बेच दी। पुलिस ने तुरंत मामले का संज्ञान लेते हुए विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी, एक ये मामला आया था जिसमें कि एक मृत व्यक्ति को जीवित दिखाते हुए और फर्जी रजिस्ट्री की गई थी, जमीन बेची गई थी, जिसमें 13,00,000 रुपए दिए गए थे। तो जब इसके बारे में शिकायत की गई तो मालूम चला कि ये फर्जी आधार कार्ड और जो मृत व्यक्ति है उसको जीवित दिखाते हुए, किसी और व्यक्ति को दिखाते हुए जमीन बेची गई है। तो जब इसमें इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि इसमें कौशल नाम की एक महिला है और साथ ही उसके साथ 2 अन्य महिलाएं हैं, और एक व्यक्ति जो बद्री विशाल थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनके नाम पर किसी और को खड़ा करके रजिस्ट्री करवाई गई थी। तो मामला खुलने के बाद इनकी गिरफ्तारी की गई और विवेचना जारी है। डोईवाला चौक बाजार में आज सुबह किसानों की सिंचाई के लिए जाने वाली नहर में कबाड़ फंसने से नहर के बंद होने से नहर का पानी ओवरफ्लो हो गया, जिससे बाजार में कई व्यापारियों की दुकानों के आगे पानी भर गया। कई व्यापारियों की दुकानों के आगे रखा हुआ सामान भी भीग गया, जिससे व्यापारियों की नाराजगी देखने को मिली। हालांकि सूचना मिलते ही डोईवाला नगरपालिका के सफाई कर्मचारी रविवार को छुट्टी का दिन होते हुए भी समय पर मौके पर पहुंचे और नहर में फंसे हुए कबाड़ को निकालकर नहर के पानी को सुचारू कर दिया गया।
डोईवाला नगर पालिका नगर में सफाई के तमाम दावे खोखले साबित होते दिख रहे हैं, क्योंकि नगर निगम की नालियों और नहरों में अभी भी कूड़े के ढेर देखे जा सकते हैं। इस तरह की घटना एक नगर पालिका पर सवालिया निशान खड़ा करती है। नगर पालिका से अनुरोध है कि समय समय पर सफाई होनी चाहिए। जहाँ पर नालियाँ खुली हुई हैं वहाँ पर एक जाल लगाना चाहिए, क्योंकि आगे त्योहारी सीजन आ रहा है। त्यौहार के मद्देनजर बाजार में जाए तो लोगों का आवागमन ज्यादा रहता है, उसकी सुविधा को देखते हैं सफाई होनी चाहिए। और जहाँ पर नालियाँ चोट होती हैं वहाँ पर जो है जाल लगा कर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। पूरी नगर पालिका से अनुरोध है कि समय समय पर खुली नालियों का जो है जो लोग वहाँ पर खुला खुला पूरा जीतते हैं उनकी सफाई के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। आज सुबह के टाइम पे जो किसानों ने अचानक जो पानी बांधा नाली में, उसकी वजह से जो है कबाड़ बहुत ही ज़्यादा ये नालियों में फंस गया, जिसमें जो है कर्मचारी आज इतवार का दिन छुट्टी का दिन था। फिर से भी जो है बाजार की जो स्थिति खराब हुई है उसको देखते हुए कर्मचारी को तुरंत जो है आपके कारोबारी के लिए यहाँ पर बुलाया गया है और ये नालियों की जो है सफाई उफाई वगैरह ये सारी कराई गई। जहाँ पूरे देश में दशहरा पर्व पूरे धूमधाम का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं रुड़की के दुर्गा चौक स्थित मां दुर्गा के मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। आज अष्टमी पूजा में लोगों ने कन्याओं की पूजा अर्चना की और मां का आशीर्वाद लिया। भक्तों को मानना है कि इन 9 दिनों में माँ की पूजा अर्चना कर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो वहीं इस मौके पर मंदिर के पुजारी सागर का कहना है कि इन 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो वहीं दशहरे को लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। दुर्गा चौक मंदिर पर अपार भीड़ भक्तों की लगी हुई है। भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, अपना प्रसाद चढ़ा रहे हैं और माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। माता रानी सभी की मनोकामनाएं पूरी करने वाली है। यहाँ पर श्री माँ दुर्गा चौक मंदिर समिति के द्वारा बहुत ही भव्य व्यवस्था की गई है, बहुत ही सुंदर मंदिर को सजाया गया है एवं भक्तों के प्रसाद चढ़ाने की बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई है। तदुपरांत आज माँ दुर्गा चौक मंदिर नेहरू स्टेडियम पर शाम को 4 बजे से दुर्गा माता का हवन होगा, जो पूरी सप्तशती से किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि देहरादून के जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर भारतीय विमानन प्राधिकरण दिल्ली की सतर्कता विभाग की टीम ने जनजागरूक कार्यक्रम के साथ गोष्ठी का आयोजन किया। एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग में टीम ने नुक्कड़ नाटक से किया एयर यात्रियों के साथ स्टेक होल्डर्स आगंतुकों और एयरलाइन से जुड़े लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम में सतर्कता विभाग दिल्ली के मुख्य अधिकारी अमल गर्ग, एयरपोर्ट निदेशक प्रभाकर मिश्रा के साथ तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। कमीशन ने एक मुहिम चलाई है 3 महीने की, जिसमें यह कहा गया है कि एक पिटपी रेजोल्यूशन 2004 है, उस पिटपी रेजोल्यूशन के अंतर्गत हम लोग एनकरेज कर रहे हैं कि लोग बाग जो कंप्लेंट्स जो करना चाहते हैं सरकारी विभागों के अगेंस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो वो आए और कंप्लेंट करें और उनकी कंप्लेंट के ऊपर एक्ट किया जाएगा टाइम बाउंड मैनर में और उनका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। पुराना रेजोल्यूशन है लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा पा रहा था, तो उसको हम प्रोपेगेट कर रहे हैं, लोगों को बताना चाह रहे हैं। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में सामाजिक कार्यों में बढ़चढ़ का हिस्सा लेने वाली आकृति समिति ने प्रेस वार्ता बुलाकर गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे को नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र से संसद का प्रत्याशी बनाए जाने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा।
वहीं आकृति सोसाइटी द्वारा बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सामने ही हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने वाली समिति पत्रकारों के सवालों के जवाब ही नहीं दे पाई और उनको इस बारे में भी जानकारी नहीं थी कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए जाने के पीछे उद्देश्य क्या है। बीजेपी के लिए काम नहीं करेगी, हम एक सोशल वर्कर हैं और सोशल वर्क की तरह ही काम करेंगे, फॉर फ्यूचर भी उन्हीं के लिए काम करेंगे। हम सीनियर सिटीजन के लिए वर्क करते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं, गरीब बच्चों के लिए, उन्हीं के लिए काम करेंगे। तो बहकावा किसने करा मैडम की प्रेस कॉन्फ्रेंस करें उसके बाद? ये तो मेरे अध्यक्ष जी का मैसेज आया है, मैंने दिखा दिया अभी, तो हम यहाँ पे आए। हमारे अध्यक्ष ने बुलाई है, कुसुम डिगारी ने। ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, इसका जो आकृति सोसाइटी का मूल उद्देश्य था वो था कि जो हमारे उत्तराखंड के विधायक आदरणीय अरविंद पांडे जी हैं, जो पूर्व में शिक्षा मंत्री थे, उनके द्वारा जो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया गया था उसको आगे बढ़ाने के लिए उनको मंत्री पद पे पुनः ताजपोशी देने के लिए ये कार्य किया गया था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो भी चर्चा हुई है उसमें सांसद का नाम आया या सांसद की दावेदारी आई, उसमें आकृति सोसाइटी का कोई लेना देना नहीं है। उत्तराखंड सरकार भले ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का दावा करती है, लेकिन सरकार में बैठे अधिकारी सरकार की मंशा पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। यही कारण है कि चिकित्सकों की लापरवाही से स्वास्थ्य विभाग और प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ राजनीतिक पार्टी के लोग धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो चुके हैं और सरकार से मामले की जांच कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन लगातार आरोप लगने के बाद भी उच्च अधिकारी मामले की जाँच तक नहीं कर पा रहे हैं। मामला उधम सिंह नगर के बाजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां चिकित्सक दंपत्ति पर स्वास्थ्य केंद्र में मनमानी और मरीजों से अभद्रता करने का लगातार आरोप लग रहा है। के अंदर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनको एक रेफर सेंटर बना दिया गया है। उसी क्रम में आज हम बाजपुर में बैठे हैं। बाजपुर के अंदर जो यहाँ डॉक्टरों की पूर्ति की गई, कुछ डॉक्टर यहाँ भेजे गए, लेकिन लगातार हमारे पास शिकायतें आ रही हैं, हमारे परिवार के लोग आ रहे हैं कि जब भी कोई यहाँ दुर्घटना घटती है तो अगर कोई यहाँ पे अपनी दवाई लेने आता है या कोई इलाज कराने आता है तो यहाँ के डॉक्टर्स हैं, जो यहाँ के इंचार्ज हैं, वो लगातार उनको एक रेफर सेंटर की पर्ची बनाकर दे देते हैं कि यहाँ इलाज की सुविधा कोई नहीं है। जबकि मेरे संज्ञान में आया है कि यहाँ पे कुछ बेड भी बनाए गए हैं और जो बाजपुर क्षेत्र में स्थित हमारी एक कारखाना है पॉलीप्लेक्स, उसके द्वारा लगातार इस अस्पताल की मदद की गई है, उसे कई उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं। लेकिन इतने उपकरण उपलब्ध होने के बावजूद भी जो यहाँ के चिकित्सा अधिकारी हैं, शायद डॉक्टर माथुर हैं, उन्होंने लगातार अभी तक किसी जनमानस को इलाज देने का कार्य नहीं किया है। मसूरी में सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश राणा के नेतृत्व में स्थानीय लोगों द्वारा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के मसूरी कार्यालय में एकत्रित हुए और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। प्रकाश राणा ने कहा कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिक अधिकारी गरीब लोगों को निशाना बनाकर उनके द्वारा बनाए गए घरों को अवैध बताते हुए सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं। मसूरी में एमडीडी आया और आज 2023 चल रहा, लगभग 40 साल होने जा रहे हैं, एमडीडी के पास कोई बायोलॉजी नहीं, तो ये एमडीडी यहाँ लाया क्यों, किस लिए? आपने ना कोई यहाँ का कोई मानक बनाया, न यहाँ आपका कोई नियम चल रहा है, आपके अपने खुद के नियम है, देहरादून के नियम है, यहाँ टाउन प्लान है नहीं और देहरादून के हिसाब से यहाँ चालान कर रहे हो आप, क्या मतलब इन चीज़ों का? आप इन चाला जितने भी यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं, ये सामूहिक रूप से हम लोगों का एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन है, जो यहाँ पर जो प्रताड़ना गरीब लोगों के साथ जो किया जा रहा है, जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है और अमीरों के बहुमंजिले मकान के साथ वो मिलकर जो उनके साथ जो जुड़े हुए हैं, जो उनकी जो कार्यप्रणाली है, जो काम करने की जो सिस्टम जो इसने बना रखा है भ्रष्टाचार वाला, वो यहाँ नहीं चलेगा। आपने, मैं आपके माध्यम से बता दूँ, भारद्वाज जी अपना खुद का एक ट्रांसफर करवा लीजिए और ये कोई फायदा नहीं आपका यहाँ रहने का। आपने मसूरी की जनता को इस कदर परेशान करके रखा हुआ है कि सबका आप लगातार चालान करने जा रहे हैं, जब वो चीज़ें बन रही तो आप लोग कहाँ रहते हो? हरिद्वार पुलिस कप्तान का नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान जारी है। भगवानपुर के एक निजी होटल में क्षेत्र के काफी बड़ी संख्या में गणमान्यों, छात्रों, युवाओं को बुलाकर नशे के खिलाफ खड़ा होने का आह्वान किया। इस मौके पर विधायक ममता राकेश, एसएसपी हरिद्वार परमेंद्र डोबाल समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में आए लोगों ने अपनी अपनी राय रखी और नशे का खात्मा कैसे हो इसके लिए चिंता व्यक्त की। वहीं हरिद्वार एसएसपी ने कहा कि नशे को जड़ से खत्म करना है तो पुलिस के साथ मिलकर नशा कारोबारियों पर नकेल कसनी होगी।
का आयोजन किया गया था जिसमें समस्त भगवानपुर के जितने क्षेत्र के निवासी हैं, गणमान्य व्यक्ति, सभी लोग सम्मिलित हुए थे, वहाँ पर छात्र भी सम्मिलित हुए थे। इन सबके समक्ष एक ही चीज़, एक चुनौती हमारे बीच में सबसे बड़ी, जो आपका इस तरीके से अपनी जगह बनाता जा रहा है समाज में, इसके विरुद्ध सभी लोगों को एकत्रित करके सभी लोग इसके विरुद्ध एक कार्रवाई करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए थे। उसकी रणनीति हम लोगों के द्वारा आगे जो बनाई जाएगी, इस पर एक साथ सबको मिलकर कार्य करना है, इसी को लेकर हम लोग यहाँ पर। उत्तराखंड के किच्छा में कॉलोनाइजर द्वारा नियम कानून को ठेंगा दिखाकर अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही है। किच्छा क्षेत्र में अवैध कॉलोनी काट कर सुविधाओं के नाम पर आम जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। कॉलोनाइजर द्वारा प्लॉटिंग करने के बाद लाखों रुपए की वसूली कर कॉलोनी वासियों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। नगर के रुद्रपुर मार्ग नेशनल हाईवे किनारे काटी गई अवैध कॉलोनी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। बहुत कम कॉलोनियां ऐसी हैं जो रेरा से अप्रूव्ड हैं और इतना डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है वहाँ। सड़कें हैं नहीं, पानी की योजना है नहीं, बिजली है नहीं, सारे लोग परेशान हैं। मैं बरसातों के दिनों में यहाँ देखो तो सारा दिन कॉलोनियों के लोग आते थे। अभी मैंने गांव का दौरा कर रहा हूँ, अभी मैंने 40% भी नहीं किया है, दोबारा से शुरू किया है। पिछली बार साल पूरा एक एक गाँव घूमा था, अब दोबारा घूम रहा हूँ। तो सब जगह पे कॉलोनियाँ कटी हुई हैं और लोग जो है रोते हैं, साहब सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, तो विधायक या कोई कहाँ से लेके आएगा। तो ये इन कॉलोनियों के मामले को लेकर मैं गंभीर हूँ, जिला प्रशासन से बातचीत करूँगा, कॉलोनाइजर के खिलाफ सख्ती करें सरकार। हरिद्वार के SSP परमेंद्र डोभाल की अध्यक्षता में थाना सिडकुल क्षेत्रांतर्गत सिडकुल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें दोनों की तरफ से विभिन्न मुद्दों पर पुलिस और सिडकुल संगठन द्वारा बेहतर व्यवस्था बनाए जाने में आपसी समन्वय को बेहतर करने के साथ साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। करीब 2 घंटे चली बैठक में विभिन्न मुद्दों पर गंभीर चर्चा परिचर्चा रही। तो वहीं पुलिस कप्तान द्वारा एक्मस कंपनी के नए फायर टैंकर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये पिछले विगत माह से हम लोग लगातार सिडकुल एसोसिएशन के अलग अलग डेलीगेशन से बात कर रहे थे। आज हमने सभी को कंबाइन करके एक, जिसमें हमारा भगवानपुर सिडकुल एसोसिएशन और यहाँ का हरिद्वार का जो सिडकुल है, इनके साथ एक कंबाइन एक मीटिंग करी थी, जिसमें सिडकुल में जो भी इनकी समस्याएं हैं या पुलिस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको इनके द्वारा शेयर किया गया और हमारी की अपेक्षाएं हैं वो भी हम लोगों के द्वारा इनसे हमारा एक वार्ता किया गया। ये 2-way कन्वर्सेशन था जिसमें ने DAV PG कॉलेज की दीवार गिरने से हुई युवती की मौत के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि कई बार शिकायत के बावजूद भी कॉलेज और जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से एक मासूम ने अपनी जान गंवा दी। उन्होंने कहा कि ये मौत नहीं बल्कि हत्या है। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने DAV PG कॉलेज की दीवार गिरने से हुई युवती की मौत के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। शीशपाल बिष्ट ने कहा कि कई बार शिकायत के बावजूद भी कॉलेज और जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से एक मासूम ने अपनी जान गंवा दी। उन्होंने कहा कि ये मौत नहीं बल्कि हत्या है। देखिए, DAV कॉलेज की जर्जर और जीर्ण शीर्ण दीवार जो है एक होनहार और निर्दोष बेटी के ऊपर गिर गई और आपने देखा कि असमय वो हमारे बीच से चली गई, उस बेटी को जान गंवानी पड़ी। आखिर ये किसकी लापरवाही है? कहा जा रहा है कि छात्र संगठन लगातार उस दीवार की मरम्मत की मांग कर रहे थे, आखिर उसका पुनर्निर्माण समय रहते क्यों नहीं किया गया? मुझे लगता है DAV के प्रधानाचार्य या वहाँ का प्रबंधन किसी अनहोनी का ही इंतजार कर रहा था। जो अब घटित हो गई है ये गंभीर चूक है, गंभीर लापरवाही है, दोषी बख्शे नहीं जाने चाहिए, निष्पक्ष जाँच। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जन TV।